लाइट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ चने विद राइस। चलते हैं। एक तरफ मैंने चावल का पानी चल रख दिया है और दूसरी तरफ मैंने चने थोड़ा उबालने के लिए रख दिया। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। नमक, ये उबल रहा है चने हमारे, 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे बंद कर देंगे। कर दिया। एक तरफ हमारे चावल बन के तैयार, इसी तरह हम सब्जी तैयारी करते हैं। हमने 2-3 स्पून या 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, नमक स्वाद अनुसार, चना मसाला, लाल मिर्च और ये 2 चॉप किए ऑनियन। और हमने ये टमाटर में हरी मिर्च, अदरक, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। 1/2 चम्मच जब तक इसे पकाएंगे जब तक इसका कलर ब्राउन, हल्का ब्राउन ना हो। ये अब ये हल्का ब्राउन हो गया। अब इसमें हमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे भी थोड़ा भुनेंगे जब तक इसमें से खुशबू नहीं आ जाती। हम सब मसाला डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। थोड़ा सा हम भूनेंगे। इसमें हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी जो हमने ग्राइंड की। अब हम मसाला अच्छे से पकाएंगे। से ढक देंगे। अब हम यहाँ हमें चावल देखते हैं। अभी चावल हमारे पके नहीं है कच्चे। पांच मिनट हो गए। देखिए हमारा मसाला भून के तैयार हो गया और तेल इसने छोड़ दिया। अब इसमें हम उबले हुए चने डालेंगे। कम
डाला था क्योंकि हमने चने उबालते वक्त नमक डाला था, इसलिए हमने मसाले में नमक कम डाला था। आप अपने स्वाद अनुसार मसाला डालिए। और इसमें थोड़ा सा और पानी डाल देंगे। अब इसे हम 7-8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे स्लो फ्लेम में। हमारे चावल पक के तैयार हो चुके हैं, देखिए खिला खिला चावल बना है कितना, ये देखिए। अभी थोड़ा और पकाएंगे। देखिए अब ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सूखा धनिया पत्ती डाल एक बार से हिलाएंगे। अब हमारा लंच बनके हो गया तैयार। अब हम करते हैं इसकी सर्विंग।